साल करवा चौथ व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापी चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस बार ये व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत न सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए होता है बल्कि सौभाग्य भी लाता है। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी व्रत शुरू करती हैं और रात में चांद को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को सुबह स्नान करने के बाद आचमन करना चाहिए और पति पुत्र और सौभाग्य के लिए संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत में शिव पार्वती कार्तिकेय गणेश और चंद्र की पूजा करने की परंपरा है। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन पूजन और अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं जल और भोजन ग्रहण करती हैं। पूजा के बाद चावल उड़द दाल सिंदूर चूड़ियां रिबन सुहाग सामग्री और दक्षिणा में तांबा या मिट्टी का करव दान किया जाता है। इसके बाद अपनी सास को 14 पूरियां या मिठाइयां सुहाग सामग्री फल और सूखे मेवे खिलाए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। शादी के बाद नवविवाहित महिला इस व्रत को रखती है जिसमें वो अपनी सास को 14 खंड का कलश 1 बर्तन फल मिठाई बायन शादी का सामान और 1 साड़ी देती है। व्रत के महत्व पर महाभारत में एक कहानी है जिसे महिलाएं दीवार पर गाय का गोबर लगाकर और चावल की कलम से लिखकर पूजा करती हैं। लेकिन अब इसके कैलेंडर बाजार में आने लगे हैं। प्राचीन काल में शक प्रशस्तपुर में एक धार्मिक ब्राह्मण वेद धर्मी रहता था जिसके 7 बेटे और वीरावती नाम की एक बेटी थी। जब वीरावती बड़ी हुई तो उसकी शादी हो गई और उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत लिया। चंद्रोदय से पहले ही वो भूखी थी इसलिए भाइयों ने उसे पीपल के पेड़ की आड़ से रोशनी दिखाई जिसे वीरावती ने चंद्रोदय समझकर अर्घ दे दिया और खा लिया। जब खाना खाते ही उसका पति मर गया तो वो विलाप करने लगी। संयोगवश कहीं जाते समय इंद्राणी ने उसके रोने की आवाज़ सुनी और जब वो वहां पहुंची तो उसने वीरावती से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि उसने चंद्रोदय से पहले अपना व्रत तोड़ दिया था जिसके कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। अब यदि तुम 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ की विधि पूर्वक पूजा करो और करवा चौथ के दिन शिव परिवार के साथ चंद्रमा की पूजा करो तो तुम्हारा पति पुनर्जीवित हो जाएगा। जब वीरावती ने वैसा ही किया तो उसका पति जीवित हो उठा।